किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोग देख रहे हैं किंगडम मोनेरा और फाइव सिस्टम क्लासिफिकेशन के बाद किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोग देख रहे थे तो किंगडम मोनेरा के बारे में जो देख रहे हैं ये आज का डेट जो है ये ट्वेंटी कर लेते हैं हम लोग ट्वेंटी अगस्त है ये तो किंगडम मोनेरा मोनेरा फाइव सिस्टम क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था किंगडम मोनेरा के बारे में देखा था तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में लिखेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होती हैं किंगडम मोनेरा क्या होता है ये प्रो कैरवेटिक ऑर्गेनिज्म ये होता है और किंगडम मोनेरा जो हैं तीन तरह के हैं टाइप्स तो पहला टाइप जो है ये आर्कियोबैक्टीरिया है पहला टाइप जो है ये आर्कियोबैक्टीरिया है दोनों हम लोग एक साथ लिखेंगे ऑर्कियो बैक्टीरिया भी यहाँ अलग अलग हो गया है दूसरा जो है हम लोग पॉइंट लिखेंगे कि किंगडम मोनेरा जो है टाइप्स में दूसरा टाइप ये यू बैक्टीरिया होता है और तीसरा टाइप का जो है आपका किंगडम मोनेरा वो साइनो बैक्टीरिया होता है तो दो पॉइंट यहाँ पे हुए किंगडम मोनेरा के बारे में दो पॉइंट हुए पहला पॉइंट ये हुआ कि ये प्रो कैरेटिक ऑर्गेनिज्म है प्रो कैरेटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग जानते हैं कि सेल में जो है ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एबसेंट होता है तो प्रो कैरेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब किंगडम मोनेरा में जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं सभी में न्यूक्लियर मैम्ब्रेन नहीं होगा और वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होगा इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं और इसके थ्री टाइप्स हैं पहला दूसरा तीसरा तो पहला ग्रुप क्या है आर्कियो बैक्टीरिया है दूसरा है यू बैक्टीरिया है और तीसरा जो है ये साइनोबैक्टीरिया है इसके अलावा चौथा जो है एक इसको माइको प्लाज्मा बोलते हैं चौथा को माइको प्लाज्मा तो क्वेश्चन यहाँ पे कि ये आपका हो गया कि टाइप्स ऑफ किंगडम मोनेरा क्या है तो पहला बोलेंगे हम लोग आर्कियोबैक्टीरिया बैक्टीरिया ये आर्कियोबैक्टीरिया बैक्टीरिया जो है एक साथ होगा अलग अलग आपका नहीं होगा आर्कियोबैक्टीरिया बैक्टीरिया 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 ये दूसरा जो है यू बैक्टीरिया तीसरा साइनोबैक्टीरिया और चौथा आपका माइकोप्लाज्मा तो किंगडम मोनेरा ये चार तरह के हो गए क्या क्या चार तरह के हो गए आर्क्यो बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया एंड माइक्रोप्लाजमा अब ये है कि ये किंगडम मोनेरा जो है कहाँ कहाँ रहता है इसका हैबिटेट क्या है किस जगह पे रहता है? हैबिटेट प्लेस क्या है तो ये जो है एवरीवेयर रहता है हर जगह पे ये रहता है एवरीवेयर हर जगह पे रहता है कहाँ कहाँ पर रहता है ये एक्सट्रीम हैबिटेट जो काफ़ी जो है वातावरण हार्स वातावरण है एक्सट्रीम हैबिटेट जहाँ जनरल नहीं रह सकता है ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे एक्सट्रीम हैबिटेट में रहता है जैसे एग्ज़ाम्पल में क्या है हॉट स्प्रिंग जो गर्म पानी के झरने हैं वहाँ पे रह सकता है जो मरुस्थल है डेजर्ट है वहाँ पे ये रह सकता है इसके अलावा बर्फ़ वगैरह में भी रह सकता है स्नो वगैरह में रह सकता है और तो और समुद्र के गहरे पानी में भी रह सकता है डीप ओशंस में रह सकता है ये तो किंगडम मोनेरा का हैबिटेट क्या है कहाँ कहाँ रह सकता है एवरीवेयर हर जगह पे ये रह सकता है एक्स्ट्रीम हैबिटेट में रह सकता है जैसे कि एग्ज़ाम्पल में हॉट स्प्रिंग में रहेगा डेजर्ट में रहेगा स्नो में रहेगा और डीप ओशंस में ये रहेगा तो इतने सारे जगह पे जो है ये रह सकता है तो आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं तो ये देखने की कोशिश करते हैं हम लोग कि और कहाँ कहाँ पे ये रहता है तो ये हैबिटेट जो है हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में देख लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हॉट स्प्रिंग में रहता है डेजर्ट में रहता है स्नो में रहता है डीप ओशंस में रहता है इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं कि ये न्यूट्रिशन जो है अपना खाना पीना ये कैसे लेता है तो अपना खाना पीना जो है ये दो तरह से लेता है एक तो एक तो आउटोट्रॉपिक है ये आउटोट्रॉपिक है यानी कि फोटोसेंथेसिस के थ्रू लेगा और दूसरा जो है हेटरोट्रॉप्स है दूसरे चीज़ों के ऊपर ये डिपेंडेंट है तो न्यूट्रिशन ये दो तरह से करेगा एक आउटोट्रॉपिक करेगा एक हेड्रोट्रॉपिक करेगा आउटोट्रॉपिक में भी दो तरह से करता है एक फोटोसेंथेसिस की मदद से सन की एनर्जी लेके ये अपना न्यूट्रिशन करता है फोटोसेंथेसिस करता है और दूसरा जो है ये कीमोसेंथेसिस करता है कीमोसेंथेसिस मतलब सन के जगह पे ये केमिकल्स एनर्जी लेके अपने फूड को प्रिपेयर करता है तो आउटोट्रॉपिंग में दो तरह से हो गए एक फोटोसेंथेसिस के थ्रू और दूसरा जो है कीमोसेंथेसिस के थ्रू और किंगडम मोनेरा जो है न्यूट्रिशन कैसे करता है तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हेट्रोट्रॉप्स हैं दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है हेट्रोट्राप्स मतलब दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आ गई क्या है ये सैप्रोफाइट्स हैं सैप्रोफाइट्स दूसरे आपका जो है दूसरे चीज़ सड़े गले चीज़ों से अपना लेता है तो सेप्रोफाइट्स से हैं पैरासाइट डायरेक्ट अपना भोजन जो है एब्जॉर्ब करता है और जो है सिम्बायोंट्स है सिम्बायोंट सिम्बायोंट है जिसमें कि कुछ दूसरे को मदद करता है और ये दूसरे से अपना भोजन लेता है तो सिम्बायोंट की कैटेगरी में आता है सिम्बायोंट में कुछ दूसरे को मदद करता है ये और दूसरे से ये अपना खाना लेता है तो तीन कैटेगरीज इसमें आ गई हैं हेट्रोट्रॉप्स में किंगडम मोनेरा किंगडम मोनेरा के जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये दो तरह से होते हैं एक तो क्या है आपका आउटोट्रॉप है एक है आपका आउटोट्रॉप्स हैं और दूसरा जो है ये हेटरोट्रॉप्स हैं। हेटरोट्रॉप्स हैं आउटोट्रॉप्स में दो तरह के हैं ये एक फोटोसेंथेसिस के थ्रू करता है और दूसरा जो है ये कीमोसेंथेसिस के थ्रू करता है फोटोसेंथेसिस के थ्रू सनसेल लाइट लेके अपना भोजन बनाता है और कीमोसेंथेटिक के थ्रू जो है केमिकल से एनर्जी लेके अपना फूड का सेन्थेसिस करता है और हाइड्रोट्रॉप में ये तीन तरह के हो गए सैप्रोफाइट्स हो गए पैरासाइट्स हो गए और सिम्बायोड्स हो गए तो क्वेश्चन केवल ये आएगा कि राइट द न्यूट्रिशन इन किंगडम मोनेरा किंगडम मोनेरा में न्यूट्रिशन लिखना है तो किंगडम मोनेरा में न्यूट्रिशन होगा तो हम लोग दो तरह से लेंगे कि एक आउटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है और एक हाइड्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है आउटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक फोटोसेंथेसिस तो आपका ये करता ही है सनसेर लाइट लेके अपना भोजन जो है वो बनाता है फोटोसेंथेसिस करता है इसके अलावा जो है ये केमिकल्स एनर्जी लेके भी करता है और हाइड्रोट्रॉप की कैटेगरी में क्या है सेप्रोफाइट्स से है, सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन लेता है पैरासाइट से दूसरे से अपना भोजन एब्जॉर्ब कर लेता है और तीसरा जो है सिम्बाय से सिम्बार्ड्स में एसोसिएशन करता है किसी दूसरे की मदद करता है और उससे जो है अपना फूड लेता है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये किंगडम मोनेरा के बारे में कि टाइप्स ऑफ मोनेरा पूछा जाता है कि कितने टाइप्स ऑफ मोनेरा हैं तो हम लोग ये चार तरह के मोनेरा लिखेंगे कि आर होता है यू बैक्टीरिया होता है साइनोबैक्टीरिया होता है और माइक्रोप्लाजमा होता है तो सारे के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग से पढ़ेंगे और एक जनरल व्यू जो है ये कहाँ पे रहता है तो कहाँ पे रहता है उसमें लिखेंगे हम लोग एवरीवेयर रहता है एक्सट्रीम हैबिटेट में रहता है हॉट स्प्रिंग्स में रहता है डेजर्ट में रहता है स्नो में रहता है और डीप ओशंस में रहता है तो किंगडम मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है किंगडम मोनेरा क्या है ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज़्म है और इसके डिफ़रेंट कैटेगरीज़ हैं बोलिए